बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ की बड़ी खबर। फिरोजाबाद में महज 200 रुपए के लिए युवक का गला घोटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को फेंक दिया गया। बाद में परिजनों ने शव की शिनाख्त की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 नवंबर को थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गौरी शंकर डिग्री कॉलेज के पीछे एक शव मिला था, जिसकी पहचान भूपेंद्र उर्फ कन्हैया पुत्र ज्ञान सिंह निवासी नगला पान साहे थाना उत्तर के रूप में हुई थी। मृतक के बड़े भाई सोनवीर सिंह द्वारा थाना रामगढ़ पर धारा 147, 148, 149, 302, 120, बी 34 के तहत अवधेश पुत्र दीवान सिंह निवासी नगला पानसाहे थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद समेत 6 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। देखिए, दिनांक 10 तारीख को थाना रामगढ़ पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, गौरी शंकर डिग्री कॉलेज के पीछे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ। इस सूचना पर तत्काल रामगढ़ पुलिस मौके पहुंची, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा घटना का मौका मुआयना भी किया गया। इसमें घटना के अनावरण में 3 टीमों का गठन किया गया। तीनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज पर, सर्विलांस पर तथा पता रसी सुराग रसी के माध्यम से घटना का अतिशीघ्र खुलासा कर दिया है। इसमें 3 अभियुक्त विजय दीवान और विंडो को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु हमारा प्रयास चल रहा है। घटना का कारण ये बताया गया है कि इसमें जो मृतक भूपेंद्र कन्हैया था, उसको कमलेश ने 200 रुपये दिए थे। जब कमलेश ने भूपेंद्र से 200 रुपये मांगा, इस बात को लेकर उनमें कहा सुनी और गाली गलौज हो गई। इसके बाद उन लोगों ने प्लान किया और रात में इसको ले गए और इसके साथ उनमें शराब वगैरह पिया, फिर इस घटना को अंजाम दिया। टीम ने बहुत अल्प समय में घटना का खुलासा किया, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर, पीएम रिपोर्ट में भी आया, स्टिमुलेशन आया है और उसमें जो इनके पास एक गमछा था, उसी गमछे से गला कस करके इसको मारा गया।